मुजफ्फरपुर के दो प्रखंडों सरैया और मरवन के लिए जहां कुल 6 पदों के 1187 सीटों के परिणाम आज आएंगे। 5125 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में भाग्य अजमाया था, जहां कुल 1323 सीटों में से 134 ग्राम कचहरी पंच और 2 ग्राम पंचायत सदस्य का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। शुक्रवार को सुबह से ही मतगणना स्थल पर भारी भीड़ लग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में एक पंचायत की मतगणना पूरी होने के बाद ही दूसरी की शुरू की जाएगी। जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य की मतगणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। वहीं सरपंच एवं पंच की वोटों की गिनती के लिए एक साथ हॉल में व्यवस्था की गई है। वोटों की गिनती के लिए मतगणना ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक एवं सहायक नियुक्त किए गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को पर्यवेक्षण करने का आदेश दे दिया गया है। ईवीएम से वोटों की गिनती का OCR कैमरों की मदद से रिकॉर्ड रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट के ऊपर इस कैमरे को लगाया गया है। उम्मीदवार वोटों को इस कैमरे में कैप्चर किया जाएगा। मतगणना टेबल पर रखी सीओ में एक साथ वोट गिने जाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सीयू के हिलने पर मतगणना फिर से कराने का आवेदन को स्वीकार करने का आदेश मिला है। पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती की लाइव वेबकास्टिंग भी होगी, इसकी तैयारी भी पूरी है। इसके अलावा सभी टेबल पर OCR कैमरा लगाया गया है। EVM के वोटों की गिनती के लिए यह कैमरा लगाया गया है।